कुछ इस तरह बेजुबान इश्क मेरा मांगे तुझसे बना दे जरा आगोश में तू मुझे आसरा ओ सुन ले मेरी इल्तिजा तड़पाना यूं जाने जाओ बेजुबान इश्क मेरा मांगे तुझसे पना One. Racing through my thoughts, one by one. तूने गलत टाइम पे गलत वजह से गलत आदमी पे हाथ उठाया। तुझे मारने का बहुत शौक है ना? चल अपना पुराना वाला गेम खेलते हैं। शफल कर घंटी के कोई जरूरत नहीं है। तीन चल नेक्स्ट तू तो गया। रुक, तू सच में चीटिंग कर रहा है। अब पत्ते मैं बिछाता हूं। वापस अभी तो जोर से क्यों मार रहा है? अब से छोटा नंबर जीतेगा। जरा मेरी किस्मत कितनी खराब है। इधर ही क्यों मार रहा है? इधर ही मारना। सॉरी, तूने मारने को बोला तो हाथ अपने आप उड़ गया। तुझे सलाह देता हूँ, नेक्स्ट टाइम खेलने से पहले कार्ड शफल किया कर। माय फ्रेंड गणेशा, हे भगवान, अब इसकी जिंदगी शफल कर दे। इसको मेरे घर से ही नहीं, इस शहर से निकाल दे। बहुत थक गया हूँ यार। ये शिफ्ट कब खत्म हो रही है? क्या बात कर रहा है? तुझे आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है यार। 1 मिनट का कॉल था, उस तू बेचारी को आधे घंटे से होल्ड पे रखा हुआ है। सब कॉल हमारे को ही आ रहे हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, मे हेल्प यू? हाय, दिस इज माइक, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर राज? या स्पीकिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम द इमिग्रेशन ऑफिस टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप हैज बीन रिजेक्टेड। व्हाट यू सेइंग? आई एम सॉरी टू से दिस, बट आपको शहर जल्द से जल्द छोड़ के जाना पड़ेगा। योर एप्लीकेशन इज टू वीक। ना ही तुम्हारा खुद का कोई घर है और ना ही कोई स्टेबल इनकम है। यू नो, अगर तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद हम कंसिडर करते, बट एनीवेज मैंने अभी तुम्हारे नंबर पर एक फैक्स भेजा है। प्लीज गो थ्रू इट एंड हैव अ गुड डे। यप, क्या हुआ? गाइस, मेरी सिटीजनशिप रिजेक्ट हो गई यार। अब तुझे क्या शहर छोड़ के जाना पड़ेगा? राज, एक खुशखबरी है बॉस। भाई तूने जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था ना, हाँ, अबे वो रिजेक्ट हो गई। साले, जो उड़ने का बहुत शौक है ना सुपरमैन की तरह, अब तेरी किस्मत देख, तू किधर अटपका। ये बकवास बंद कर। चल अब ये बता कि तेरी पैकिंग कब शुरू करूं? सत श्रीकाल पाजी। सत श्रीकाल पुत्र राज, सब ठीक ठाक है? हाँ, मेरी सिटीजनशिप रिजेक्ट हो गई। ओ पुत्र, तुसी किसी गोरी शोरी ना ब्याह क्यों नहीं करा लेंदे? असि भी तुहाडी आंटी नाल इसी तरह ब्याह कीता सी। You know, अगर तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद हम कंसीडर करते। की तुहाडे मन विच कोई है? हाँ है। तो बस झट मंगनी पट ब्या। अंकल, व्हाट एन आइडिया सर जी। मेरे तो तन और मन में एक ही लड़की बैठी हुई है, वो भी महीनों से। मगर वो लड़की है कौन? वही जो भी निकली यहाँ से। कौन? लिंडा? हाँ, मैं आ रहा हूँ लिंडा, मैं आ रहा हूँ। ओए राज! Hi, it's you again. You following me or something? No. Wait. I'm just kidding. Can I buy you a drink? Sure. ये कौन है? तुम्हारा कोई खास दोस्त or something? नहीं, मैं से नहीं जानती. And by the way, he's more interested in you than me. Wanna dance? No. This party's boring anyways. I was just leaving. Don't leave. Party's just about to begin. Smash it. One more time. Check it out. Say. And stop. Groove it up. I don't know what's playing on your mind. I think you're taking me for a ride. I never do I want you by my side. I'm gonna say bye bye bye. I don't know what's playing on your mind. I think you're taking me for a ride. I never do I want you by my side. I'm gonna say bye bye bye. आजा अखियों के पेच लड़ा ले, उड़िया दिल की पतंग उड़ा ले, करना यूं बेकार जवानी, मिलके कोई खिचड़ी पका ले, सोड़िए, हीरिए, ले गई दिल मेरा तेरी अदा, सोड़िए तुझ पे है दिल फिदा दिल फिदा दिल फिदा। सोचो सोचो आते कहाँ लाइफ में ये मौके रोज रोज यारा। देखो तो देखो तू भी यहाँ मैं भी यहाँ और ये समा है प्यारा। मानो मानो यही तो उम्र है बहक जाए आओ यारा। सोड़िए हीरिए ले गई दिल मेरा तेरी अदा सोड़िए हीरिए तुझ पे है दिल फिदा दिल फिदा आजा आँखियों के पेच लड़ा ले गुड़िया दिल की पतंग उड़ा ले करना यूं बेकार जवानी मिलके कोई खिचड़ी पका ले सोड़िए हीरिए ले गई दिल मेरा तेरी अदा तेरी अदा। So Linda, तुम्हारी हॉबीज क्या है? I love reading. Oh really? Like filmfare stars, cineblitz or comics? No, novels. Novels? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा कितना टाइम बच जाता अगर तुम पिक्चर ही देख ली थी? नहीं, किताब पढ़ने से your mind transports you to a different world. अच्छा, प्यार की दास्तां वाली अरे द मॉल, रोमांस की महाभारत या मोनालिसा के किस्से, ये सब तो मैंने स्कूल में ही पढ़ लिया। तुम प्यार के बारे में बहुत जानते हो? जी। Well, ask me any question, I'll have the answer. ये प्यार क्या है? Well, ask me any other question. I'll have the answer. What is love? hey? नहीं, स्माइल मत करो और मेरे सवाल का जवाब दो कि ये प्यार है क्या? प्यार कहते हैं जन्नत की एक झलक है। प्यार वो शब्द है जो जिंदगी का हर दर्द मिटा दे। प्यार एक हवा का झोंका है जिसे हम देख नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। प्यार वो चाबी है जो खुशियों का हर दरवाजा खोल दे। प्यार वो सब कुछ है जो किताबों में नहीं लिखा है। I'm impressed. Hi, Dad. Dad? That's your dad. Why don't you come in, say hi and meet my dad? नहीं नहीं तू चल, मैं फिर कभी मिलूंगा उनसे। चलो। ओह, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। फिर कभी। हाय डैडी जी, राज से मिले। He's such an amazing guy. हे राज। कहीं पौड़ा पाजी, अब प्लीज कुछ मत बोलेगा। तू मेरे बेटे नूं पर सिटीजनशिप लेता नहीं फंसा रहा भाई? नहीं। सिटीजनशिप? हाँ, सुबह ही आज मेरी गल हुई है कि सिटीजनशिप रिजेक्ट होगी। ते मैंने इन्हें सुझाव किया भी किसी गोरी ना शादी कर ला ते तू मेरी किसी बेटी नूं तो नहीं इहदा शिकार नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या ये सच है? क्या तो भाई आज मेरी बात हुई राज। हाँ बात हुई थी मगर नहीं मैं इसका पीछा महीनों से कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? नहीं मेरा मतलब है सिटीजनशिप के लिए नहीं। मैं रात भर वहीं बैठकर उसकी राह देखता रहा। काश इस रिश्ते का अंजाम कुछ ऐसा ना होता। उसे भूल जाने का इरादा तो नहीं था फिर भी यूं लगा इस रात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। पर यह मेरी मुसीबतों का अंत नहीं था। कहानी यहाँ से सिर्फ शुरू हुई है। मेरा एक और दुश्मन मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहा है। प्रेम कहने को तो दोस्त लेकिन साला इसका जिंदगी में एक ही काम है खाना और खाना बस खाते रहना। और पिछले 2 साल से इसका एक ही मकसद है मुझे घर से निकालना। राज तेरी पैकिंग अब शुरू करो। शराब यार यहाँ मेरी वाट लग रही है तुझे मजाक सूझ रहा है। बात ही कुछ ऐसी है पर फिक्र मत कर जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अभी इसमें अच्छा क्या है? देख तेरे जाने से ना 2 लोग को खुशी मिल जाएगी। राहुल को अपना कमरा मुझे मेरी प्राइवेसी। यही है दोस्ती। अबे काय की दोस्ती मिलने के 15 मिनट के अंदर तूने मुझे ये बोल के मना लिया था कि तू सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहने वाला है, और वो भी कुछ कपड़ों के साथ, और आधे घंटे में तू मेरे दरवाजे के सामने खड़ा भी हो गया। हाँ तो झूठ थोड़ी बोला था, कपड़े तो थे मेरे। हाँ हाँ, जब तू कपड़े बोल रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि तू सिर्फ 4 टी-शर्ट और 2 जीन्स के साथ आएगा, तो तू तो पूरी दुकान लेके आ गया। ए बड़ी, तू है कौन? चल सामान लेके आ, चल चल। क्या? अबे तेरे कुछ ही दिनों को ना 700 दिन हो गए, 2 साल और कितना रहेगा बे? और शुक्र कर मेरे पेरेंट्स को वैंकूवर में रहना पड़ता है काम की वजह से, और ऐसे ही चलता रहा ना तो तू अपने बच्चे को भी इधर बसा लेगा। कैसे दिख रही हूँ? उसको मेरे कपड़े पसंद आएंगे ना? किसको? तेरे वकील केसवानी को। हम क्या ऑडिशन के लिए जा रहे हैं? How sweet. तुम भी ना ऐसी बातें करती हो। या मी टू। अंदर आ जाऊं? अरे हाँ, अरे चिंता का कौनो बात नहीं है भाई, हम सब समझ गया हूँ। वकील लालू केसवानी है हमारा नाम। मैं करता हूँ ना आपको फोन। हाँ, मी टू। ओके बाय। हेलो बॉयज, हाउ आर यू टुडे? अरे पिया बेटी, इतना दूर क्यों बैठी हो, तनिक करीब आ जाओ। मगर ये दोनों? अरे कोई चिंता की बात नहीं, बैठिए। क्या बात है पिया बेटी, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो आज मुझे। हाँ मैं थोड़ी परेशान हूँ, आप बताइए कुछ सोचा आपने? बिल्कुल सोचा है बिटिया, तुम ऐसा करो कि 1 साल बाद वीजा के लिए फिर से अप्लाई कर देना। 1 साल? और उसके बाद शायद मिले ना मिले, और फिर 1 साल प्रोसेस करने के लिए। ऐसे तो 3-4 साल निकल जाएंगे, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती, मुझे रोहित को भी स्पॉन्सर करना है। तो अगर बेटी इंतजार नहीं कर सकती हो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ, रोहित तो लंदन में रहता है और फिलहाल हम तैयार नहीं है। आप शादी रोहित से ही करिएगा, लेकिन इसके पहले वीजा के लिए आप किसी और से शादी कर डालिए। हर किस नहीं। फर्ज करिए कि आज आप शादी कर लेते हो, हम वीजा के लिए अप्लाई कर देंगे और तुम डायरेक्ट वीजा के लिए क्वालिफाई कर जाओ। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने लड़का भी चुन लिया हो। ये आपके बाजू में बैठा है, देखो ये। और मुझे पूरा यकीन है कि इसने पहले से ही हाँ बोल रखा होगा। Dude, what's going on? अरे क्या तुमको पिया से शादी करने में कोई एतराज है? No. फिर तो बात बन गई। मगर यही क्यों? अरे ये इसलिए बाबा कि इसका भी वीजा कल ही रिजेक्ट हुआ है। तो फिर मैं किसी कनेडियन पासपोर्ट होल्डर से ही ना शादी कर लूं? बिल्कुल सही, लेकिन सोचो अगर उसने शादी के बाद तुमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, तुमसे तरह तरह की डिमांड करने लगा, या फिर अगर इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाके बोल देवे कि हमने वीजा के लिए शादी की है, तो तुमको तो डिपोर्ट कर देंगे नहीं। ये भी तुम्हारी तरह अटका हुआ है, इसको मैं कुछ सालों से जानता हूँ, ये दिल का हीड़ा है हीड़ा। पिया बेटी आप सोच लो और रोहित से भी बात कर लो, फिर मेरे को बताओ। एनीवेज मैं आपको कल फोन करती हूँ, और हो सके तो कुछ और सोचिएगा। ठीक, बाय। टेक केयर। ओके बाय डियर। केसवानी कह रहा था कि मैं सिटीजनशिप के लिए राज से शादी कर लूँ, तुम्हें क्या लगता है? I guess रोहित भी आ जाएगा, फिर तुम दोनों जल्दी शादी भी कर सकते हो। I guess you don't lose anything। लेकिन ये बात किसी से कहना मत। I don't want anyone else to know about it। Don't worry। By the way, लगता कैसा है? Is he hot? Yeah, he is। अच्छा ही लगता है। राज, हाँ? Please, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म शादी है। कौन था? वकील। वो ये? क्या कहा उसने? सैटरडे मेरी शादी है। तुम्हें सैटरडे के लिए डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, पहले था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। पता ना रियलाइज कि 2 दिन की तो बात है। सैटरडे को शादी और फिर 1 साल बाद डिवोर्स। You can't be serious? वो तो 2 दिन में इतनी तैयारी कैसे कर पाऊंगा? अच्छा, शादी पे क्या पहन रही हो? शेरवानी, अपना अरमानी वाला सूट। तू कच्चे में आजा। क्या? शादी का जोड़ा नहीं पहनोगी? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। बहुत मजा आएगा सैटरडे को। बॉस, परफ्यूम। क्या बे रोतलू, आज तेरी शादी का दिन है और तू इतना उदास है। अबे ये क्या, तूने शेविंग भी नहीं की। सोच ले, तुझे शहर में रहना है या निकलना है। मेरी सिचुएशन अलग है यार, पता नहीं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। एक बात बता, क्या तेरे पास कोई दूसरा चारा है? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, बस मन में डर था कि इस कदम से लिंडा को हमेशा के लिए ना खो बैठूं। ये डिवोर्स पेपर्स है, 1 कॉपी तुम्हारे लिए, 1 कॉपी मैंने मिस्टर केसवानी को दे दी है। 1 साल के बाद जब हमें रेसिडेंसी मिल जाएगी तो मैंने फाइल कर दूंगी। शादी से पहले डिवोर्स। Hi guys, how's it going? Just grab a seat right here. All right. All set. You're just going to have to sign this form right here. You're going to have to sign this form right here. That's about it. Okay, that's good. That's it. Yep. Okay, that's good. That's good. That's awesome. All right, wicked. All right, so you guys are all set, and I wish you all the best. So, Piya baby, सब सही हो गया नहीं? या आई थिंक सो। तो अब मुझे एप्लीकेशन वापस फिल करनी पड़ेगी या आप सब संभाल लेंगे? नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं संभाल लेंगा। आपको तो सिर्फ अपना एड्रेस चेंज कर देना है, और हाँ, अब आपको राज के साथ रहना पड़ेगा। व्हाट? इमिग्रेशन स्कैम के बाद बाबा ये लोग और भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। नहीं लेकिन आपने तो पहले बताया ही नहीं कि मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, वो भी 1 साल। रोहित को पता चला तो मुझे जान से मार डालेगा। इम्पोर्टेंट फोन। केसवानी स्पीकिंग। हसाई केड़ो हाला। वो केसवानी सचमुच में साधारण की बात कर रहा है। पापड़ का आज क्या भाव है? पापड़? पापड़? आज। Ridiculous. I can't believe. एक तो मैंने शादी कर ली। मेरी किस्मत। प्यार किया किसी एक से, शादी की किसी दूसरे से, अब रह रहा हूँ किसी तीसरे के घर में। राज? और बिल्कुल सही टाइम पर गलत जगह पे दिख जाता हूँ। क्या उसने कभी भी साथ रहने की बात की तुमसे? राज? सुपरमैन की तरह यहाँ कैसे पहुँच गए? नहीं, मेरा मोबाइल गिर गया था। तुम चलो, मैं सामान लेके आता हूँ। Linda, stay away from Raj. He is married. ऐसे होंगे ने आजकल के लौंडे साले खोते दे पुत्र ग्रीन कार्ड मिलते ही लड़के को डंप कर देते हैं। नॉनसेंस। घर तो काफी छोटा है लेकिन ये कमरा अच्छा है। घर भी अच्छा है लेकिन बाथरूम एक ही है। इसे तुम अपना ही कमरा समझो, मगर ये कभी मत भूलना कि तुम्हारा कमरा नहीं है। तुम्हारे कपड़े क्या? तुम्हारे कपड़े मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम्हारा कमरा। तुमने ये तो नहीं सोचा ना कि हम दोनों एक ही कमरे में सोने वाले हैं? इसमें सोचना क्या है, एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। आई एम नॉट शेयरिंग माई रूम। तू यहाँ पे सोने वाला है? तू यहाँ पे सोने वाला है? हाँ यार क्या करूं। तू यहाँ सोने वाला है? नो। सॉरी। Cookies? Thank you. ये तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने बनाए। अच्छे नहीं लगे? नहीं नहीं सुपर्ब थे। प्रेम को भी खिलाओ ना, उसको बहुत अच्छा लगेंगे। प्रेम? हाँ। ओह थैंक यू, फाइनली घर में कुछ बना है, तुम जो आ गई हो। क्या हुआ प्रेम? बहुत अच्छे बने, क्या मुझे एक और मिल सकता है? So Piya, तुम्हें प्रेम कैसा लगा? प्रेम is nice. Sweet guy ना? क्या तुम उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ सकती हो? I don't think उसको लड़की में कोई interest है. I think he likes guys. No no no, of course not. I mean. No. My friend is not gay. It's fine. It's normal. उसकी यही पसंद तो यही सही। बस क्योंकि वो थोड़ा नाजुक है, उसको एल्टन जॉन के गाने पसंद है, उसकी फेवरेट पिक्चर दोस्ताना है, फेवरेट कलर पिंक है और कभी लड़के के साथ देखा नहीं, इसका मतलब नहीं कि। प्रेम तेरा पैर किधर है? इसका कुछ मतलब नहीं हुआ। pass me the ketchup? Boss. प्रेम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? इससे पूछने की क्या बात है? पूछो। क्या तुम गे हो? What? I mean, मैंने तुम्हें कभी किसी लड़की के साथ देखा नहीं। सुनो, मुझे पता मैं राज की तरह नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं गे हूँ। I have a girlfriend. कौन है वो? तुम उसे नहीं जानते। ओह, तो मैं उसे जानता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। All right, तो कौन है वो? अपनी पड़ोसी, लिंडा। क्या बात कर रहे हो? तो कब मिलवा रहे हो? कभी नहीं, क्योंकि मौका मिलता ही मैंने उसको छोड़ने का फैसला कर दिया। लिंडा आ रही है। कहाँ? इधर? अपने घर जाते हुए यार। अभी मौका अच्छा है, चलो। नहीं नहीं, हर चीज का सही वक्त होता है, और वैसे भी अभी उसको बताना सही नहीं रहेगा। डरपोक मत बन, बी ए मैन, चल। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, हर चीज की जगह होती है। ब्रेकअप रेस्टोरेंट्स में होते हैं, और रोमांस भी कुछ चीज है। अभी काय का रोमांस? तू नहीं बोल रहा, मैं जाके बोलता हूँ उसको। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ। Excuse me. Hi. हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर क्या मैं आपके साथ 2 मिनट बात कर सकता हूँ? Yeah, sure. जी मैं आपसे ये कहना चाहता था कि तुम फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप मुझे गाल पे एक जोर का थप्पड़ मार सकते हो? थप्पड़? Yeah. You're serious? Totally. Sorry, आप प्लीज किसी और से थप्पड़ खाइए। कोई भी खूबसूरत लड़की शौक से आपको दे देगी। पर मैं चाहता हूँ कि वो आप हो। Get lost before I call security. तो आप मुझे थप्पड़ नहीं मारेगी? No. अच्छा, ये ले। हाँ? शुक्रिया। That was a violent breakup. राज, मैं नहाने जा रही हूँ, बाथरूम का नॉब टूटा पड़ा है, तुम प्लीज अंदर मत आना, ठीक है राज? I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Piya, I'm sorry. I didn't know you were in the washroom. Piya, I'm sorry. I didn't know you were in the washroom. What do you want, Raj? I'm really very sorry. I didn't know you were in the washroom. मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं नहाने जा रही हूँ. I'm so sorry. Why don't you just go and open the door? Okay, I'll be right back. Hello, Raj? Yeah, sorry about that. You are disgusting. Hello? उसने फोन क्यों रख दिया? क्या कर रहा है? पिया की डायरी पढ़ रहा हूँ। मेरे बारे में कुछ लिखा है क्या? ये कि तू गे है। इडियट। मेरे चाय बनाना प्लीज। खुद आके बना ले प्लीज। बे प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। ऑलराइट। ओह ओह शिट शिट मैन। या बेटे, आई होप तूने डायरी पूरी ध्यान से पढ़ी होगी, वापस लिखने में आसानी होगी। शिट यार, इसमें 450 पेजेस थे और तूने कितने पढ़े? आई एम ऑन पेज 2। वो तो पहले से ही नाराज है। अब तू उसे क्या बोलेगा? पिया गलती से डायरी जल गई, सॉरी। हाँ, और वो क्या बोलेगी? तुमको पता था वो क्या बोलेगी? स्टाइल में वो बोलेगी, हाँ राज योर सन ऑफ। पीछे देख। हाँ? हो जाता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। गलती इंसान से ही होती है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं उसमें, वैसे हो जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो चाय मत बना, मैं बाहर पी लूँगा, ठीक है, बाहर। क्यों? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी कपड़े इस्त्री कर रहा था। मुझे लगा कि तुम चोरी करने आए हो। यहाँ चोरी करने के लिए है क्या? स्मार्टिस्ट के डिब्बे में पिंस। एनीवेज, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं अभी सो रही हूँ। बहुत देर हो गई, चलो मैं भी सो जाता हूँ। Get out! I'm just joking यार। No, piano, 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 piano. Crazy? क्या हुआ? I think पिया को मुझसे प्यार हो गया। प्यार? मुझे लगा तू उसके पीछे पड़ा है। मैं उसके पीछे? उसमें है क्या? रोहित के साथ क्या क्या किया क्या पता। वैसे मैं सेकेंड हैंड को हाथ नहीं लगाता। पिया, मैं सेकेंड हैंड गाड़ी की बात कर रहा था। इस कुत्ते को तो मैं घर से निकल के ही रहूंगा। अब मेरी बारी। टीवी नहीं चल रहा है, तुम जरा देखना तो प्लीज। ओह गॉड, ओह तेरे क्या हुआ? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। अबे तेरी गलती क्यों? नंगे किसने किया ये? अरे अपने पड़ोसी का पागल कुत्ता। जैसे मैं घर से निकला बस पीछे पड़ गया मेरे। टोक राज, तुम्हें पानी पूरी पसंद है? Oh, I love पानी पूरी। लेकिन तुम तीखा नहीं खाते ना? Oh, तुम खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा? तो तुम खा नहीं रहे क्या पानी पूरी? Oh, of course. पानी पूरी दे। क्या राज अकेले 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 नहीं खाने का बेटे। चल चल। पिया बेटी तुम्हें काम पे डरी नहीं हो रही? एक और खाएगा हाड़ में जा। कैसे खा रहा था यार? मर जाएगा उसका खाना खा के तू। ये तेरा पेट था। मैं नहाने जा रही हूँ, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। निकल गया रे, छोड़। अरे राज, अरे कब आया तू यार? चाय कॉफी बना दो। क्या कर रहा है? अभी डिस्टर्ब मत कर यार, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। कल बॉस को इम्प्रेस करना है। फ्लॉप गया तो तेरी तरह पूरी जिंदगी घर पे ही बैठना पड़ेगा। अबे भूतनी के कंट्रोल कर, घर में कोई तीसरा भी है। इन पागल कुत्तों को घर से निकालना ही पड़ेगा। तुम्हें दिखाती हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तुम लोग यहाँ पिक्चर देखने आए हो ना? तुम्हें से किसके पास गाड़ी है? You me? Rolex, sir. Very nice. अबे ये क्या कर दिया? आपका टाइम बुरा चल रहा है सर। इस वक्त इन टुकड़ों को जोड़ने के बदले आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या करना होगा कि आइंदा घड़ी ना टूटे। वैसे ही कंपनी का टाइम बुरा चल रहा है। इस वक्त ये देखने के बदले कि कौन कैसा काम कर रहा है, आपको ये सोचना चाहिए कैसा क्या करना होगा कि कंपनी आगे बढ़े। तालियां। रुको रुको रुको, कहना क्या चाहते हो भाई? प्रमोशन, पब्लिसिटी, फेसबुक, ट्विटर, पोस्ट, बैनर्स। ये छा जाएंगे सर। इन पोस्टर्स को देख के हर हिंदुस्तानी अपने देश को याद करेगा। क्या आप बात कर रहे हैं यार? झूठ मत बोलो सर, मैं जानता हूँ आपको भी बहुत पसंद आ रहा है, बस बन रहे। आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं बनाई। आई नो बट इट्स नेवर टू लेट। मेरी प्रिंटिंग कंपनी से आज बात हुई है और अब तक तो हमारे सारे शेयर होल्डर्स को डिजाइन्स पहुंच भी गए होंगे। क्या बात कर रहा है यार, मां कसम सर, ऐसी पब्लिसिटी मैंने कहीं नहीं देखी। यस सर, यस सर। सुपर इडियट, ये पोस्टर बनाए किसने? मैंने सर, मैंने खुद अकेले बनाए। राज गेट आउट, यू आर फायर्ड। ए राज, क्या प्रेजेंटेशन था आज, तो मजा आ गया। अरे वो प्रेजेंटेशन की वजह से आज मैं रास्ते पे आ गया यार। मैंने तो कुछ और बनाया था, उस पिया ने सब चेंज कर दिया। पिया? ये पिया कौन है? नागिन, नागिन है वो। नागिन? हैप्पी Sir, I'm from the Immigration Office. I've come here to check on Mr. Raj and Mrs. Piya and how they're doing after marriage. Piya, मैं तुमसे कितनी बार माफी मांग चुका हूँ, किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? तुमने मुझे क्या कहा था? Second hand. No, 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 Piya, देखो, देखो Piya, तुम हमेशा मेरे मुँह पे क्यों फेंकती हो चीजें? सब फट जाएगा मेरा। Huh? Oh, I'm sorry to interrupt. I'm sorry. I'm from the Immigration Office. Please carry on. I'll catch you some other day. And you have a good day. मैं सोच रहा था मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढूं। क्यों? मुझे तो लगा तुम यहाँ बहुत खुश हो, सब लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं और तुम जितना चाहे उतना लेट जा सकते हो। वो सब ठीक है मगर पगार थोड़ी कम है। जितना काम करते हो उसके हिसाब से तो कम ही लगेगा ना। मैंने तुम्हारी कंपनी में अप्लाई किया है। ओह, ओके। क्या कुछ जवाब आया वहाँ से? कभी कभी तो एक साल लग जाता है वहाँ से जवाब आने में। यू नो इफ दे फाइंड योर रेज्यूमे टू बी अ जोक। नो, मुझे एप्लीकेशन के 2 दिन बाद ही जवाब आया। इनफैक्ट कल मेरा जॉब इंटरव्यू है। आई होप आई कैन मेक इट। मैंने 2-3 अलार्म क्लॉक्स रखे हैं जस्ट इन केस। साढ़े 8 बज गए, 9 बजे तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना? शिट। मुझे लगता है तुम ये इंटरव्यू भूल ही जाओ। तुम यहाँ टाइम पर कभी नहीं पहुँच पाओगे और अगर लेट आए तो। भैया तुम्हें बाद में फोन करता हूँ यार। मिस्टर राज एक जीता जागता नमूना। सबसे पहले वो अपना कपबोर्ड खोलेगा, पहला सूट, दूसरा सूट, तीसरा सूट। अब हमारे सुपरमैन जी फ्लाई करने वाले हैं। बोल मिशन कश्मीर क्या है? क्या? आई मीन तेरे बाप का शादी का सूट किधर है? मेरे बाप का क्या? तेरे बाप का लंदन वाला सूट किधर है? एक बार वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा तो देखेगा कि उप्स टायर पंक्चर। तो जाएगा सीधा अपने कमरे में वापस सोने। राज, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? आदित्य, प्लीज टू फाइनली टॉक टू यू। मैं इतनी प्लीज बाय गॉड किसी से नहीं हूं जितनी आज तुमसे बात करके हो रही हूँ, क्योंकि तुम हो जो, तुम्हारी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। कहा था ना मैंने, कोई डाउट मत रखना दिल में। छोड़ने वाली नहीं हूँ, सीखनी हूँ मैं बठिंडा की। You're late. I'm sorry. Can't give you this job. Oh. Well, thank you anyways. एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। आज आपको देख के करीना कपूर की याद आ गई। राज, मैं इसी एटीट्यूड की तलाश में थी। आओ बैठो। तो मुझे नौकरी मिल गई? नहीं, मैं सिर्फ बैठने के लिए कह रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पिछली नौकरी तुमने क्यों छोड़ी? बात यह है कि मेरी पिछले बॉस को मेरी बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन वो मुझसे हमेशा कहते थे कि राज, तू कुछ काम मत कर। तो जायजे कि मैं कितना काम करता हूँ कि बॉस को ये रोज बोलना पड़ता था। उनका टेलीफोन नंबर मिलेगा? जी, मेरा मोबाइल तो गुम हो गया और नंबर उसमें था। उनका एड्रेस? नहीं, कंपनी शिफ्ट हो रही है, यू नो, रिलोकेशन। तो उनका नाम? दैट्स प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। सॉरी, हम रेफरेंसेस के बगैर ना तो नौकरी बिल्कुल दे ही नहीं सकते। सॉरी। थैंक यू। राज, तुम्हें तो गुस्सा आता ही नहीं। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। तुम दूसरा इम्तिहान भी पास हो गए। आओ बैठो। तो मुझे नौकरी मिल गई? नहीं, तुम बार बार मुझसे यही सवाल क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी इंटरव्यू ले रही हूँ, तुम मेरी। बस बैठो। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कमजोरियाँ क्या हैं? जी, मैं काम बहुत ज्यादा करता हूँ। मैं दिन रात सिर्फ कंपनी के बारे में सोचता हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी खोया खोया रहता हूँ। अच्छा, और तुम्हारी ताकत? मेरी कमजोरियां ही मेरी ताकत है। वाह, क्या बात है। राज, मुझे ना तुम्हारे पुराने बॉस की तरह ना तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। Okay then, well, have a good day. राज, अब तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हें कंपनी की नहीं, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। शाबाश। लेकिन ये बॉस तुम्हारी पिछली बॉस की तरह खाली खोपड़ी नहीं है। एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। राज, तुम तीसरा इम्तिहान भी पास हो गए। कंग्रेचुलेशंस। तो मुझे नौकरी मिल गई? हाँ, पक्का? 100%। लॉक किया जाए? बिल्कुल। हमेशा ऐसे ठंडे दिमाग से काम किया करो। बाहर पिया हमारी रिसेप्शन पे बैठी हुई है, उससे कहो तुम्हें तुम्हारी कैबिन की चाबियां दे देगी वो। थैंक यू। थैंक यू। हाय मेघना। अब क्या हुआ? मिस्टर राज अब मेरे ऑफिस में भी काम करते हैं। कम ऑन पिया, राज इतना भी बुरा नहीं है। मैं उसे घर पे तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, अब मुझे उसे काम पर भी झेलना पड़ेगा। एनीवेज, व्हाट हैव यू बीन अप टू? मैं हर सुबह 5 बजे उठती हूँ ताकि उसको इरिटेट कर सकूँ, उसके कपड़े जला सकूँ, उसको नौकरी से निकलवा सकूँ, कुत्तों को पीछे पड़वा सकूँ, बेसिकली उसका जीना हराम कर सकूँ। और राज ने क्या किया? राज ने कुछ नहीं। तुम्हें लगता है अगर और कोई होता तो वो कुछ नहीं करता? मुझे अभी भी लगता है कि राज बहुत अच्छा लड़का है. You just need to know him better. Hi Rohit, are you free? No Piya, I'm busy. Rohit, हमारी 2 हफ्ते से बात नहीं हुई है. हाँ तो Piya, I'm busy no? और it's very embarrassing जब तुम मुझे ऑफिस पे फोन करती हो. So, what should I do? रोहित तुम कब बिजी नहीं होते हो? Listen Piya, तुम मुझे फोन मत करो. मैं तुम्हें खुद फोन करूँगा और कल वैसे भी संडे है, फिर आराम से बात कर लेना, ठीक है? All right, I'll talk to you tomorrow then. Fine, bye. Bye. और इस तरह हम दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था. वक्त के साथ साथ मेरे और Piya की फाइनली दोस्ती हो गई. कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा नए लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे मिलेंगे, पर उन सब में से एक शख्स सबसे खास होता है जिन्हें हम भूल नहीं पाते या शायद कभी भूलना ही नहीं चाहते. लिंडा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो यार? रास्ता छोड़ो. तुम मुझे बात करने का मौका क्यों नहीं दे रही? रास्ता छोड़ो. तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो. रास्ता छोड़ो. तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो. मैं क्यों सुनूं? Because I'm in love with you. 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 शादी कर ली? हाँ मगर इसे मजबूरी में करना पड़ा मुझे. कहीं भी मैं नहीं, तू है मुझ में हर कहीं। मन बावरा हुआ जा रहा, कैसी लगन ये लगी, मुझ में कहीं भी मैं नहीं। आज क्या सुनाया उसको? किसको? नहीं, पिया को। और किसको? क्या बात कर रहा है? क्या सुनाया उसको? अरे सब बोल डाला उसको कि उसकी नौटंकी इधर नहीं चलने वाली। नौटंकी? अरे और नहीं तो क्या, उसकी वजह से हम दोनों को एक ही कमरे में सोना पड़ता है। ना तुझे नींद आती है ना मुझे। उसको मैंने बोल दिया कि अपना एटीट्यूड अपने पास रखे, नहीं तो अपने लिए खुद का किराया वाला घर ले ले, फिर उधर नेल पॉलिश लगे या डांस करे। अपना क्या? वो क्या बोली? उसने फोन ही उठाया, इसलिए मैंने वॉइस वाला मैसेज छोड़ दिया। अबे साले पागल हो गया क्या? क्या हुआ? वो घर छोड़ के चले गई तो मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? अबे वीजा रिजेक्ट हो गया मेरा, 1 साल के लिए उसको झेलना पड़ेगा, तभी मेरी एप्लीकेशन पास होगी। 2 बार पहले से रिजेक्शन लेटर आ चुका है, अब मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता। तो उसको फोन लगा और माफी मांग। अच्छा, उसको बोलते तो मैं मजाक कर रहा था। यार मजाक मजाक में रजाक मर गया। अरे वो समझ जाएगी यार कि मैं मस्ती कर रहा था। मेरे भाई मस्ती मस्ती में बस्ती जल गई, तू बस माफी मांग उसे। हाँ बज रहा है। नहीं उठा रही। फिर से लगा। वो फोन अपने कमरे में भूल गई है। सिंपल है, दरवाजा खोल के मैसेज डिलीट कर देते। वेरी गुड यार, तेरे पास चाबी होगी ना? तो खोलेंगी कैसे? मेरी उंगली बहुत मोटी है यार, अंदर नहीं जा रही। मेरे भाई अगर हम पकड़े गए और पिया पुलिस को बुलाती है तो उम्मीद है हमारी दोस्ती हमेशा सलामत है। अबे क्या बकवास बोल रहा है? चेक करो किसकी उंगली मोटी है। तू ट्राई कर, देखने दे। इसको तो मैं चुटकी में खोल के दिखाता हूँ। शाबाश मेरे शेर। अबे खुला कहाँ? तो खत्म कहा क्या मैंने? Prem. I'm so sorry. I'm really sorry. No, Piya, जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है. We're just good friends. Oh my God. Listen. Hello, Piya. तुम्हारा दिन कैसा था? Can I make you some tea, coffee, anything? Do you have some more gay Kool-Aid? Listen, Piya, जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है. And where do you get this shit from? मुँह है साले, आज तो कमर दौड़ती तूने मेरी. थोड़ा मसाज कर देगा. थोड़ा Call me for friendship. Hello. Hey baby, how you doing? I saw your ad on Facebook. Oh my gosh, we can finally hook up. I promise we'll have a great time. It'll be fabulous. We'll go shopping, we'll buy Gucci bags. Oh my gosh, I'm so excited. I've been waiting for this for so long. Hey, hold it, miss. You got the wrong number. Baby. Hello? What's up, beautiful? You got the wrong number, buddy. Hello? Are you sure? Dude, you got the wrong number. Hello? Oh, hey. Welcome to the group. Listen, dude, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. प्लीज बार-बार फोन करके डेट के लिए मत पूछना. Okay? Thank you. पता नहीं सुबह से किस-किस के फोन आ रहे हैं. Hi, you've reached my voicemail. Please leave a message after the beep. अबे तेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जो तेरे साथ था, कम से कम उसका नंबर तो दे. Sorry. Hello? Hi, I'm calling from BlindDate.com. BlindDate? Yes, is this Prem? Oh, yes. Would you be available tonight? Yes. One sec. Excuse me. Important phone call. मुझे फाइनली एक लड़की मिली है जो मेरे साथ डेट पे जाना चाहती है. That's awesome. पिया, क्या मैं राहुल को तुम्हारे पास छोड़ सकता हूँ? मुझे तो आज किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, लेकिन कोई और दिन होता तो मैं जरूर रुकती. ओह, सोच प्रेम, क्या करूँ सोच. राज, राज. Nope. अरे यार बात तो सुन यार, प्लीज. Nope. सुपरमैन रिटर्न्स की ब्लूरे डीवीडी आज निकली है, कल तेरे हाथ में होगी. एक बार जो मैंने जवाब दे दिया, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता. कल सुबह 10 बजे डीवीडी के कमरे में पहुंच जाएगी. अगर तुझे लगता है सुपरमैन का बहाना बना के तू मुझे खरीद सकता है, तो तू बिल्कुल सही है. ओए, कैसे दिख रही हूँ? एकदम क्या बोला? चुम्मा देने का मन कर रहा है. इतना चकाचक लग रहा है. हाय रोहित, आज नेहा का बर्थडे है. पता है मैंने क्या पहना हुआ है? प्लीज इन फिजूल बातों के लिए मुझे फोन मत किया करो. अभी मैं काम में बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं. रास्ते सब तेरे वास्ते तुझसे है हर समा तू कहे तो चले तू कहे तो रुके ये जमीन ये जहां तेरी इनायत है तेरी ये चाहत है मैं इस काबिल कहां मंजिले रास्ते सब तेरे वास्ते तुझसे है हर समा सुल्फे उड़े तो शाम ढले पलके खुले तो सुबह चले तन तेरा छू के चले हवाएं तो महके सवा तेरे लबों से ही रंग बने काजल से तेरे बनी घटा दिल रुबा मेहरबा ओ जान जा तू जो मेरे साथ साथ है सारी फिजाएं जन्नत लगे रब बसे मेरा तेरी निगाहों में ओ जाने जा दिल झुके तेरे सजदे में तू ही मेरे इश्क दा जहां जिस्म में रूह में तू है रवा लम्हा वो सबसे खास है मंजिले रास्ते सब तेरे वास्ते तुझसे है हर समा तू कहे तो चले तू कहे तो रुके ये जमीन ये जहां डेट कैसी थी? तो इधर है बस फर्स्ट क्लास चकाचक टिप टॉप। अभी डिटेल्स बोल। हाँ कल बात करते हैं ना। राइट। क्या हुआ? क्यों? कुछ नहीं कुछ नहीं। जब कोई डेट से वापस आता है तो चेहरे पे मुस्कान होती है। तेरे चेहरे पे तो पंच का थप्पा लगा हुआ है। हा? कुछ नहीं हुआ। कुछ भी बोलता है सब ठीक है। जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरे क्या बोल रहा है यार। कुछ भी बोलता है। कुछ नहीं हुआ सच में बोल रहा हूँ यार। अगर 5 सेकंड में नहीं बताया तो सबको बता दूंगा तूने किसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अटेम्प्ट ऑफ रेप। अरे यार अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। वो मैं थोड़ा मैच देख रहा था, आई थिंक वो बुरा मान गई। तुम्हें डेट से ज्यादा मैच में इंटरेस्ट था? नहीं ऐसा नहीं है, वो क्या है, वो एक ही सवाल दो बार पूछ के भड़क गई और मैं एक सेकंड के लिए मैच क्या देखा, वो जो सवाल था मिस कर दिया। फिर तो बस प्लेट्स तोड़ने लगी मेरे सर पे, प्लेट्स पे प्लेट्स। अभी भी दुख रहा है, पूछ मत यार। तू अलग है यार, ये वेरी डिफरेंट, तू हम सबसे अलग है। डांट फिर से परी? हाँ तुम्हें तो पता ही है, रोहित काम में बिजी रहता है इसीलिए पूरा वक्त चिढ़ता रहता है, इसके बाद बस ब्रेकअप ही रह गया हमारा। बड़ी बदतमीज हो यार, पति के सामने बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो। लिंडा, लिसन, आज ठंड बहुत ज्यादा है, तुम प्लीज मेरी गाड़ी में बैठ जाओ प्लीज। देखो जब तक तुम गाड़ी में नहीं बैठोगी मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਨਾਇਆਗਰਾ ਫਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी बहुत टेंशन है जी, मैनू लव हो गया यार, बस दिल विच पेड़ गई पेड़ दी टक्की। मैं उन्होंने दसना चाह पर डरना भी हाँ। पहले तो साड़ी शुरुआत कुछ कन्वेंशन नहीं सी, यूं थोड़ी दोस्ती जो हो गई है उन्होंने मैं खोना नहीं चाहता। सर जी थोनू की लगता है? सर जी मैं कैसे उन्होंने बोला? तुसी पंजाबी क्यों बोल रहे हो? नहीं सर जी मैं तो इंग्लिश स्पीकिंग, पंजाबी तो कुड़ी है। Never mind, ये ले। Without you, my life is garbage. I love you. Do you? Hey guys. Hi. What you doing? Raj wants to show you this. नहीं नहीं कुछ नहीं। राहुल मुझे पंजाबी सिखा रहा है। मैं सब समझ गया सर जी, मैं सब समझ गया। Rahul, give me the book. Without you, my life is garbage. I love you. Do you? So sorry for everything, Raj. It's okay. I really like you, Raj. I really like you. Piya, लोग देख रहे हैं। ये ले तेरे लिए सूप। क्या बात है, थैंक्स। क्या हुआ? ये कैसा सूप है? अबे करेले का सूप है, 1 साल से फ्रिज में पड़ा है, कोई नहीं पी रहा है, तू खत्म करना प्लीज। तू नहीं पिएगा? नहीं, इसका डेट पिछले महीने एक्सपायर हुआ है, तभी तेरे को दे रहा हूँ। फेंकने के बदले सोचा तेरे पेट में ही फेंक दूं। अभी मजाक कर रहा हूँ, मैंने पी रहा हूँ प्लीज। अच्छा सुन, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? यू नो व्हाट, एक्चुअली पिया को आने दे, फिर तुम दोनों को साथ में बताता हूँ। नहीं नहीं बोलना बोलना, अभी बोलना प्लीज, बोलना बोलना। मुझे लिंडा से प्यार हो गया। क्या? हाँ यार। तुझे लिंडा से प्यार हो गया वो ठीक है, क्या लिंडा को तुझसे प्यार हुआ है? नहीं यार। और तू ये बात पिया को बोलेगा? हाँ क्यों? सही है, तुझे मार करने का बहुत शौक है ना बेटे, गुड लक। ये ले पिया भी आ गई, अब उसको सब बोल देना ठीक है ना, चल गुड लक। नहीं बोलूं उसको? नहीं नहीं बोलना बोलना उसको बोलना। अबे कहाँ जा रहे, रुक जा पिया। राज को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। है? राज तो कुछ बोल रहा था, बोल बोल बोल। नहीं नहीं, I just got a little worried. तुम्हारा मोबाइल ऑफ था ना, तो प्रेम तो पुलिस स्टेशन जाने वाला था। पुलिस? वो calm down. मैं मेघना के साथ थी और मेरा फोन उसकी गाड़ी में रह गया था, तो उसके मोबाइल से कर लेती। I just got a little worried. ओए, worried. Why did you get worried? हाँ राज, बोल, why did you get worried? Huh? Because I cared for you. You care for me? Of course. प्रेम के सर की कसम, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आधे घंटे में मर जाएगा। मेरी कसम क्यों खा रहा है? सीधा बोल क्यों नहीं देता? तुझे लिंडा से रोहित। हाय रोहित। फाइनली पिया, मैं तुम्हें एक घंटे से फोन लगा रहा हूँ। मैं वो ओके व्हाटएवर, मैं तुम्हें अपनी फ्लाइट की डिटेल्स भेज रहा हूँ। मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने। तुम कल आ रहे हो? हाँ, और इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। कल? वाओ, that's great. Great? मुबारक हो भाई साहब, तेरी तो बैंड बजने वाली है। Hey Piya, so nice to see you. Are you okay? तुम खुश नहीं लग रही? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। बस तुमसे कुछ बात। Actually यहाँ से चलते हैं। ठीक है। रोहित, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बताओ। मैं तुमसे ये बात कई बार कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। या जस्ट अराइव्ड। मैंने शादी कर ली है। अच्छा। मैं उसके साथ पिछले 1 साल से रह रही हूँ और उसका नाम राज है। Don't touch me. Rohit, please. Just leave me alone. मेरी बात तो सुनो रोहित, मेरी बात तो सुनो। Shut up. Hello राज emergency. मैंने रोहित को सब कुछ बता दिया है, वो बहुत गुस्से में है। तुम कहाँ हो? हाय राज। ओ हाय पिया। अकेली आई? रोहित क्यों नहीं आया? वो तो सुबह गुस्से में चला गया, अब उसे सब पता है। ओ, अभी लिंडा आती होगी तो हम... रोहित को तुम पसंद नहीं हो। ओके ओके। तो मैं क्या करूं? पता नहीं, क्या हमारा सफर सिर्फ पासपोर्ट तक ही था और बस? और बस। ओह शिट। Raj, I want you to stay away from Piya. Rohit, ये तुम क्या कर रहे हो? गन फेंक दो। Piya सही बोल रही है यार, गन फेंक दे। Shut up, Raj. Piya, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? You know I love you. तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ये बात तुम भी जानते हो। तुम सिर्फ अपने काम से प्यार करते हो। क्या बोल रही हो? उसके हाथ में गन है। हाँ तो 2 मिनट नहीं रुक सकती जब तक वो गन फेंक दे। तो मैं उसे क्या बताऊँ? उसको ये बताऊँ कि जब मैं नहा रही थी तब तुम अंदर घुस आए थे। I don't know what she's talking about. हाँ हाँ बताओ उसे। What? You walked into the washroom and she was naked? That was a mistake. Hell with you guys. Raj. 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 Raj! 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 Oh, तेरी अबे I got scared. You idiot, you scared me. ये कौन है? ये लिंडा है। लिंडा कौन? हमारी पड़ोसी। I love you. बस एक बार छू के देख लो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। I thought वो और तुम, तुम्हारी शादी नकली है। ये तुम्हारी पहली किस थी? क्यों? You need training. हाँ? No. Really? Look, I'm just kidding. Look, you don't need. I'm just kidding. Don't do it. No, I'm just kidding. Don't do it. Don't do it. It's gonna break. It's gonna blow away. It's gonna break. It's gonna blow. Did I break it? जख्मी बकरो, शादी के लिए तैयार हो? हाँ जी। तो तुम उन्हीं से शादी कर रहे हो ना जिसने ये सब कुछ किया है? हाँ जी। कहाँ है वो? वो अभी आती होगी, मैं फिलहाल आपको फोटो दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ। अति सुंदर, बहुत खूब। और बेटे आपकी? क्या बात है, शाबाश बेटे। अभी तू यहाँ क्या कर रहे? तुम्हें क्या लगता है? सब तेरे वास्ते तुझसे है। Scene 20, Charlie, take one. हर समा देखो भैया, तुम प्लीज स्माइल मत करना। ये ज़मीन, अरे राज, ये जहाँ No good. मंजिले रास्ते सब तेरे वास्ते तुझसे है, हर समा। I love you, मनोज. अबे साले पागल हो गया क्या? क्या हुआ? सुल्फे उड़े तो शाम ढले, पलके खुले तो सुबह चले हवाएं तो तेरे लबों से ही रंग भरे, काजल से तेरे बनी घटा, दिल रुबा मेहरबा। Piya. Piya. Keep rolling, keep rolling. The grave fell. Like, I've never done this before. अब आपको राज के साथ रहना पड़ेगा। What? जिस घड़ी जब तू हंसे सारी फिजाएं जन्नत लगे, रब बसे मेरा तेरी निगाहों में, ओ जाने जा दिल झुके तेरे सजदे में, वही मेरे इश्क़दा जहाँ जिस्म में तू है रवा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। लम्हा वो सबसे खास है जिस घड़ी तू मेरे पास है। 3 प्लेट्स थोड़ी मेरे सर पे, 3। शिव कब खत्म हो रही है? क्या बात कर रहे हैं यार, एक मिनट का कॉल था, उसमें बेचारी आधे घंटे से होल्ड पे रखा हुआ है।